नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। आज का हमारा विषय रहेगा नीलम किन राशि एवं लग्न वाले जातकों को धारण करना चाहिए और किन राशि एवं लग्न वाले जातकों को धारण नहीं करना चाहिए। धारण करना चाहिए तो क्यों धारण करना चाहिए, इसमें क्या शास्त्रीय प्रमाण है। छह राशि ऐसी हैं जिन्हें नीलम रत्न संजीवनी बूटी का काम करता है, रंक से राजा बना सकता है, और छह राशियां ऐसी हैं जिनके लिए रिसर्च का विषय है, शोध का विषय है। तो क्या आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं? आपको इस बात का जवाब आज की वीडियो में मिलेगा। और आप नीलम रत्न धारण नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, इस विषय पर भी विचार होगा। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं के समाधान के लिए और राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि किन किन राशि वाले जातकों को नीलम धारण करना चाहिए और उसके फंडामेंटल रीजन क्या हैं। दोस्तों, इस क्रम में सबसे पहले आती है मेष राशि। मेष राशि एवं लगन वाले जातकों को नीलम रत्न संजीवनी बूटी का काम करता है। क्यों? क्योंकि मेष लगन में शनि दसवें और ग्यारहवें घर के स्वामी हैं। आपके कर्म स्थान के और आय के स्वामी होने के कारण नीलम रत्न पहनने से आपकी आय बढ़ेगी, या आपको जीवन में जो भी मिलना है, संपत्ति, प्रेम, पैतृक संपत्ति, जो भी आपको प्राप्त होना है वह बड़ी आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा यदि आपको नीलम रत्न सूट करता है। दूसरा, शनि आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, तो कर्म स्थान के स्वामी होने से आपका क्राइटेरिया बढ़ेगा, आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा और आपके सभी काम पूरे होंगे। तो नीलम रत्न मेष लगन वाले जातकों को अवश्य ही धारण करना चाहिए। दोस्तों, वृष लगन इस क्रम में दूसरे नंबर पर आता है। वृष लगन वाले जातकों को नीलम रत्न अत्यधिक योग कारक होता है, क्योंकि हमारी ज्योतिष में नौवा और दसवा घर भाग्य स्थान कहा जाता है। नौवा धर्म भाग्य और दसवा कर्म भाग्य। मित्रों, नौवे और दसवें घर के स्वामी शनि होते हैं, तो दोनों ही स्थितियों में आपको नीलम रत्न धारण करना चाहिए। नीलम रत्न धारण करने से आपके भाग्य का उदय होगा निश्चित रूप से। वृष लगन आपके लिए नीलम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। और दोस्तों, नीलम किन परिस्थितियों में धारण किया जाता है यह भी मैं आपको बता दूँ। शनि देव की डिग्री कम होने पर, यदि शनि देव की डिग्री 3 से नीचे है या 27 के ऊपर है, यानी कि शनि देव मृत अवस्था में है, तो 100% आपको नीलम पहनना चाहिए। अति बाल्यावस्था यानी 10 से 20 के बीच में अगर शनि की डिग्री है तो आपके शनि यंग हैं तो भी आप नीलम पहन सकते हैं, लेकिन यदि आपके शनि 10 डिग्री से कम है या 20 डिग्री से ज़्यादा हैं तो निश्चित रूप से आपको शनि देव से संबंधित अच्छे फल प्राप्त करने के लिए नीलम रत्न धारण करना चाहिए। मित्रों, इस क्रम में आती है तीसरी राशि मिथुन। मिथुन लगन वाले जातकों के अष्टम और नवम भाव के स्वामी शनि होते हैं। अष्टम भाव अच्छा नहीं माना गया, लेकिन नवम भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि पड़ती है, कुंभ राशि, इसीलिए यहाँ पर शनि मूल त्रिकोण का ही फल करेंगे। तो मित्रों, मिथुन लगन वाले जातकों को भी नीलम रत्न बहुत ज़्यादा योगकारक होता है, बहुत ज़्यादा शानदार फल उन्हें प्रदान करता है। इत्तफाक से मेरी भी मेरा मिथुन लगन है और मैं बहुत लंबे समय से नीलम रत्न धारण करता हूँ। मित्रों, इस क्रम में चौथे नंबर पर आती है तुला राशि। तुला राशि के चौथे और पांचवें भाव के स्वामी हैं शनिदेव। चौथा भाव सुख स्थान होता है और पंचम भाव बुद्धि स्थान होता है। हमारे जीवन में दोनों भावों का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि आप स्टूडेंट हैं और आपका तुला लगन है तो डेफिनेटली आपको नीलम रत्न पहनना चाहिए। यह आपकी हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है और लाइफ टाइम भी आप नीलम पहन सकते हैं, जो कि आपके जीवन में नीलम रत्न से सुख शांति का माहौल बना रहेगा। मित्रों, इस क्रम में पांचवें नंबर पर आती है मकर राशि। मकर लगन के स्वामी स्वयं शनि हैं। पहले और दूसरे घर के स्वामी शनि हैं, लेकिन लगन के स्वामी होने से शनि को इस लगन में मारक दोष नहीं लगता।
तो मित्रों लग्नेश का रत्न ऐसे ही रक्षा करता है व्यक्ति की जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर भी नीलम रत्न धारण करना चाहिए। इस क्रम में पांचवें नंबर पर आती है कुंभ राशि। कुंभ लगन के स्वामी स्वयं शनिदेव महाराज हैं। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए भी नीलम संजीवनी बूटी का काम करता है। मकर राशि कुंभ लगन वाले जातकों से 12वें स्थान में पड़ती है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि लगन में होने से शनिदेव लगन का ही फल करेंगे और लगन का स्वामी कभी भी किसी भी परिस्थिति में अनिष्ट नहीं करता, इसलिए आपको भी नीलम रत्न पहनना चाहिए, यह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों मेष, वृष, मिथुन, तुला, मकर और कुंभ इन छह राशि वाले जातकों के लिए तो नीलम बहुत अच्छा काम करता है, आपके भाग्य को निश्चित रूप से बहुत ऊंचाई तक नीलम रत्न लेकर के जाता है। नीलम रत्न साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अपने वजन के हिसाब से 5.25 रत्ती से ऊपर का नीलम या पहने बहुत अच्छा है। इस दुनिया में सबसे बढ़िया नीलम आता है श्रीलंका से, सिलोन का नीलम या आप धारण करें। और मित्रों नीलम धारण करते समय एक बात का खास ध्यान रखें, नीलम दोरंगा ना हो, उसमें वन कलर होना चाहिए, तो यह आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मित्रों कर्क और सिंह लगन वाले जातकों को कभी भी नीलम नहीं धारण करना चाहिए, यह आपके लिए मारकेस होते हैं। नीलम आपकी नसों को खराब कर सकता है। और इसके साथ साथ में वृश्चिक लगन वाले, धनु और मीन लगन वाले जातकों के लिए भी नीलम एक्सपेरिमेंट का विषय है। यदि आपको नीलम पहनने का मन है, आपकी इच्छा है कि आप नीलम पहने, कर्क सिंह वाले या धनु या मीन वाले लगन वाले जातक, तो निश्चित रूप से आपको पहले उसका टेस्ट करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, उसके बाद ही आप नीलम रत्न धारण करें, नहीं तो आपको इससे भारी नुकसान हो सकता है। विशेषकर कर्क और सिंह जो लगन है उनके स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा की और शनि की शत्रुता है, तो आपको तो विशेष सावधानी बरतनी है। पहली बात तो आप प्रयास करें कि कोई और रत्न आप पहने, पुखराज आपके लिए बेस्ट है। लेकिन जिद आपने ठान ली, आपको लगता है कि आपको नीलम पहनना चाहिए, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके, टेस्टिंग करके ही आपको नीलम धारण करना चाहिए। धनु लगन से भी शनि मार्केश हैं, तो आपको भी नीलम रत्न भारी नुकसान कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मित्रों यह थी नीलम रत्न के संबंध में छोटी छोटी पर बड़ी काम की बातें। मैं कामना करता हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी, वो भी मुस्कुरा